तो माय न्यू वीडियो। सो गाइस आज हम सारे गमले में डालने वाले हैं पानी, क्योंकि इन सारे गमलों की मिट्टी है प्रॉपर सूख चुकी है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये चेक करो मिट्टी कितनी, मतलब धूप भी गाइस बहुत ज़्यादा तेज है। ये चेक करो इतनी खतरनाक वाली धूप है, ये चेक करो इधर की साइड। सो इसकी वजह से ये मिट्टी सूख चुकी है इस गमले की भी, और इधर भी ये देखो प्रॉपर सूख चुकी है। और कुछ गमले दिखाता हूँ, ये चेक करो इसकी भी जो है प्रॉपर सूख चुकी है मिट्टी गमलों की। सो इस मिट्टी को हम वापस से गीला करने के लिए डालेंगे पानी सारे गमलों में। सो चलते हैं फटाफट से एंड पानी लेकर आते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होगी सबसे पहले बाल्टी। सो चलते हैं। सो गाइस बाल्टी तो ये रही, इसमें से ये ब्रश को निकाल देते हैं और अब चलते हैं बाल्टी को लेकर टैंक में से पानी निकालने। सो गाइस बाल्टी तो मैं टैंक के पास लेकर आ चुका हूँ, टैंक का खोलते हैं हम ढक्कन और अब निकालते हैं टैंक में से फटाफट से पानी। सो गाइस ये चेक करो अभी छिपकली जो है बिल्कुल पास से निकली है, हाथ के बिल्कुल पास से। सो गाइस आप भी अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो तो टैंक के आसपास ध्यान रखना बिल्कुल, क्योंकि गाइस किसी भी चीज़ से रिस्क मत लेना। सो पानी डालने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा, इस बार हम हाथ से नहीं डालेंगे पानी, पानी डालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो चलते हैं फटाफट से, मैं लेकर आता हूँ। सो गाइस फाइनली मग्गा लेकर आ चुका हूँ, मग्गे से डालते हैं पानी सारे गमलों में इजीली, धीरे धीरे से प्रेशर नहीं बने इस बात का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रेशर से मिट्टी हट जाती है, मैंने आपको कई बार बताया वीडियोस में। और मिट्टी हटेगी पौधों की जड़ के पास से तो पौधे हो जाएंगे हमारे ख़राब इसीलिए। सो और आगे चलते हैं फटाफट से। इस गमले में भी डाल देते हैं, ये पूरा प्रॉपर सूखा हुआ है खाली है अभी, तो इसमें कुछ पालक के बीज डाल रखे हैं मैंने इस वाले में। मनी प्लांट में भी डाल देते हैं पानी इजीली, धीरे धीरे बिल्कुल, बाकी जितने भी गमले हम सब में डाल देते हैं फटाफट से, पानी कंप्लीट करते हैं आज। ये चेक करो ये हमारा एक गुलाब का पौधा इधर बैक साइड में, इसकी यार दिखा होगा वो आपको, और इसी के साथ साथ एक मैरीगोल्ड का भी है। और आगे चलते हैं। सो पानी हो चुका है प्रॉपर ख़त्म। सो मग्गे को यहीं रखते हैं और बाल्टी को लेकर चलते हैं और पानी लेकर आते हैं वापस से बाल्टी को फुल भर के। सो चलते हैं फटाफट से एंड इस बार वापस टैंक में से निकालते हैं पानी, टैंक ये रहा, फुल भर लेते हैं बाल्टी को फटाफट। सो बाल्टी चेक करो आप, फुल भर दिए मैंने, और यह भी पता है डैमेज होते होते बची है ये इस कोने से, इधर ये जो कोना है नीचे की साइड ये वाला जो कोना है इस कोने से डैमेज होते होते बची है बाल्टी, बट कोई ना इजीली निकाली लिए धीरे धीरे से बाल्टी हमने। और चलते हैं आगे, जो बचे हुए गमले हैं उनमें भी डाल देते हैं फटाफट से पानी। ये चेक करो इधर वाली जो पूरी जो लाइन है ना, इस लाइन में पूरी में हो चुका है पानी कंप्लीट। अब बैक साइड में जितने भी ये गमले हैं बचे हुए इन सब में भी कर देते हैं फटाफट से पानी कंप्लीट। सो चलते हैं फटाफट से एक एक करके डालते हैं हम इन सारे बैक वाले जो गमले हैं इनमें भी। ये देखो हमारा ये है पुराना, सबसे पुराना वाला जो एलोवेरा है ये वो है, और इसमें अभी फ़िलहाल आ रहे हैं फूल, ये तो कलियाँ हैं बट ये एक फूल खिल चुका है, ये फूल जो होते हैं ना नीचे की साइड खिलते हैं, ये देखो ये एक और भी खिल चुका है, ये वाला भी हल्के हल्के से अभी थोड़े थोड़े खिले हैं, मतलब अभी और बाकी हैं ये खिलना। सो प्रॉपर जैसे ही खिलते हैं मैं आपको दिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। सो अभी डालते हैं हम पानी, ये देखो मैरीगोल्ड के जो पौधे हैं उन पर आ रही हैं कलियाँ मैरीगोल्ड की, खतरनाक। और चलते हैं आगे, तो ये हो चुका है पानी कंप्लीट, यानी कि बाल्टी हो चुकी है ख़त्म, और इधर के बचे हुए हैं ये दो गमले। सो इनमें भी लेकर आते हैं पानी,
और फटाफट से डालते हैं। उसके बाद जितने भी जो बचे हुए गमले होंगे उन सब में भी हम डालेंगे पानी। सो चलते हैं टैंक में से निकालते हैं बाल्टी भर के वापस से। सो ये चेक करो बाल्टी हो चुकी है फुल और चलते हैं बचे हुए जो भी गमले उनमें डाल देते हैं पहले तो। उसके बाद जितने भी जो भी गमलों में मतलब पानी कंप्लीट हो चुका होगा सूख लिया होगा ना उनमें भी हम पानी डाल देंगे। अभी पहले डाल देते हैं बचे हुए गमलों में। एक ये भी बचा हुआ है कम ही डालना पड़ेगा इसमें क्योंकि ऑलरेडी इसकी मिट्टी जो थी गीली थी। सो अब डाल देते हैं हम जो गमले खाली हो चुके हैं ना उनमें भी पानी डाल देते हैं वापस से। सो आगे चलते हैं ये दोनों गमले हो चुके हैं प्रॉपर खाली इनमें डाल देते हैं हम पानी। ये देखो ये बिल्कुल हो चुके हैं खाली इनमें डाल देते हैं हम पानी वापस से। इधर ये एलोवेरा का भी जो गमला है खाली हो चुका है पानी से इसमें भी डाल देते हैं। अब इधर वाले जो गमले हैं इस वाली लाइन में तो मैंने खाली गमले जितने भी थे वो चेक कर लिए। अब इधर वाली जो ये लाइन है ना इसमें भी खाली गमले जितने भी उनको चेक कर लेते हैं और फटाफट से डाल देते हैं पानी। सो ये गमला भी खाली हो चुका है और इधर ये भी हो चुका है खाली इसमें भी डाल देते हैं फटाफट से पानी और चलते हैं आगे। सो एक ये गमला भी हमारा हो चुका है खाली सो इसमें भी डाल देते हैं। एक ये और एक ये एलोवेरा का जो है ये भी खाली हो चुका है सो इसके लिए वापस से भर कर लाते हैं हम पानी। ये चेक करो सो ये भी हो चुका है फुल। फाइनली हमने सारे जो गमले थे उनमें डाल दिया है पानी। अब जो ये बचा हुआ पानी है उससे हम गमलों के आसपास का जो एरिया है वो हल्का फुल्का हम साफ करेंगे। तो चलते हैं फटाफट से करते हैं बट उससे पहले ये जो पौधे हैं ये टूट जाते हैं गाइस ये हवा से। सो इनको रख देते हैं हम बाउंड्री पे और उसके बाद हम करते हैं पानी से आसपास का जो एरिया है वो साफ गमलों के। ये चेक करो इस टाइप से ये देखो गाइस मिट्टी कितनी सारी गंदगी निकली है। गमलों में जो ओवरफ्लो का नीचे की तरफ हॉल होता है ना उसमें से ये मिट्टी निकलती है इतनी सारी ये देखो और हवा से भी कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो इस सारे कचरे को निकाल देते हैं हम पानी मतलब पैरों से साफ कर देते हैं हल्का सा। ये चेक करो थोड़ा सा पानी और भर के लाते हैं जो कचरा होगा थोड़ा बहुत और उसे और निकालते हैं। मग्गे को रखते हैं यहीं पर और बाल्टी को लेकर चलते हैं। कचरा जो होगा थोड़ा बहुत और बचा उसको वापस निकालते हैं। सारे गमलों के उधर से पास पास से जो कॉर्नर होते हैं ना उनमें फंस जाता है कचरा हवा से उड़ उड़ के। सो बाल्टी हो चुकी है फुल और इधर से निकालते हैं हम कचरा जो इधर बहुत सारा ये चेक करो आगे की साइड बहुत है। सो बाल्टी को भी ले लेते हैं आगे और पानी ले लेते हैं आगे। ये चेक करो कितना सारा कचरा है। ये देखो मतलब कितना सारा है। सारा जो कचरा है ना अभी इधर से प्रेशर मारने से पानी का उधर निकल जाएगा। अभी देखना इधर निकलेगा। ये देखो कितना सारा निकला है कचरा। अब हम थोड़ा पैरों से इस गंदगी को वहाँ तक पहुँचा देते हैं ताकि फिर उसके बाद ये आराम से चली जाएगी। सो गाइस आज की जो वीडियो है एंड ब्लॉग है उसे यहीं खत्म करते हैं। हम मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग एंड वीडियो में। तब तक के लिए बाय। इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड जानकारी देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड गाइस सपोर्ट करना मत भूलना। सो बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में।